सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फायरबॉल टोपेज या टोपाज, जो भी नाम हो यार, पता नहीं क्या क्या ये लोग नाम रखते हैं, इस स्मार्ट वॉच के बारे में। एंड यार देखेंगे कि कैसा ये स्मार्ट वॉच है। वैसे ये 28 को लॉन्च हो रहा है, लॉन्च डे के दिन आपको फुल रिव्यू देखने को मिल जाएगी, पर अभी मैं इस वॉच को ना 2-3 दिनों से यूज कर रहा हूँ, बताऊंगा आप लोगों को कैसा ये वॉच है। लॉन्च प्राइस बता देता हूँ पहले, इसका लेदर वाला जो फिनिश आएगा ना स्ट्रैप्स में, उसका प्राइस 3500 रहने वाला है। एंड जो मेटल वाला स्ट्रैप आता है जो लक्स एडिशन का है, उसका प्राइस 4000 रहने वाला है। इस प्राइस के हिसाब से क्या आपको लॉन्च प्राइस में से कंसिडर करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा हिंट दूंगा आप लोग को, क्या क्या फीचर्स हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट यस, अगर डिटेल रिव्यू देखना है आपको इसका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लॉन्च डे के दिन इसका रिव्यू आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द प्री लॉन्च रिव्यू गाइस। टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी, तो गाइस लुक वाइज इस बार काफी अलग है। लाइक पहला मैंने ऐसा स्मार्ट वॉच देखा है, इवन जो इसका डिस्प्ले भी है ना वो थोड़ा ओवल टाइप का है। एंड यहाँ पे सामने जैसा आपको क्राउन रोटेटिंग देखने को मिलता है, बट उसे ना कवर किया गया है, तो काफी बोल्ड डिजाइन एंड काफी डिफरेंट लुक है। बट गाइस बिल्ड वाइज काफी कमाल की है, प्राइस को जस्टिफाई करता है। डिस्प्ले की बात करूं तो गाइस इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, देयर इज नो एक्सक्यूज कि यार 4000 इसका प्राइस रख रहे हैं, वो भी लॉन्च प्राइस। तो भाई इस हिसाब से एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले थोड़ी छोटी है, बट डिस्प्ले की कलर्स ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छी है, इंडोर आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एमोलेड डिस्प्ले देनी चाहिए थी। एंड ओवरऑल जो डायल है ना वो थोड़ा छोटा है, 1.3 इंच की डिस्प्ले है एंड 1.4 इंच का डायल होगा टोटल, तो ये आप ध्यान में रखना। एंड बेसिकली ये ना गर्ल्स के लिए है, लाइक बॉयज भी पहन सकते, आई डोंट नो बहुत लोग को अच्छा लगेगा बहुत लोग को नहीं लगेगा, बट बेसिकली ये गर्ल्स के लिए है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। एंड इस प्राइस रेंज में यस एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली होनी चाहिए थी। IP67 देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस प्राइस रेंज में IP68 होनी चाहिए थी। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग में कोई इशू नहीं लगी है मुझे, स्पीकर वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। बट गाइस अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे यस कुछ लूपहोल्स है जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करूंगा फुल रिव्यू में, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि ठीक है एक्यूरेसी ठीक ठाक सी है, प्राइस को कंसिडर करूं तो स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं मल्टीपल, बट यस ओवरऑल कस्टमाइजेशन वगैरह अच्छी दे रखी है, यूआई काफी स्मूथ है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ कैसी है, फुल रिव्यू में दिखाऊंगा, बट यूआई भाई काफी ज्यादा स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल जो फीचर्स वाइज है ना अच्छा काम किया है, कुछ कुछ जो हार्डवेयर वाइज है जैसे कि डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए था, और ज्यादा एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए थी, IP68 होनी चाहिए थी, तो ये सब मिस कर गया है। तो भाई लॉन्च प्राइस का 3500 है, तो मैं बोलूंगा भाई फुल रिव्यू का वेट करो, रिव्यू देख लेना, क्योंकि सस्ती वॉच नहीं है, तो एकदम से आप जाकर फटाक से खरीद मत लेना, रिव्यू देखना उसके बाद डिसाइड करना आपको लेना है या नहीं। वीडियो यहां तक देख लिया, हेल्पफुल लगा लाइक कर देना, फुल रिव्यू देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।